काउंटर पे आ गए हम लोग। देखो किस तरह से बनाया हुआ है बैरियर, घूम घूम के जाना पड़ता है। ब्लॉगर्स ये टोने टांग के वो कहना चटी के। देखिए ये है रांची का ब्लॉगर, लेकिन है हमारे गांव के कहना चटी। ओनली टिकट काउंटर है। ये है टोनाटांड का मिस्टर। सबसे मेन बात हम लोग गाड़ी से यहाँ तक आए। टिकट काउंटर का एक खास जरूरी बात, ये है हमारे इंडियन लोगों के लिए गेट। इंडियन टिकट इधर से मिलता है, और जो इंडिया से बाहर से जो आते हैं उन लोगों के लिए ये सेट रहता है टिकट काउंटर। ये देखिए ये लोग इंडिया से बाहर के हैं, कहाँ के पता नहीं, शायद लग रहे थाईलैंड वाले हैं। यहाँ इंडिया से बाहर वाले के लिए है, दोगुना टिकट का रेट लगता है इन लोग का इंडिया वालों से। दोस्तों हम लोग टिकट ले लिए हैं, ये देखिए सारा टिकट, ये टिकट है ऐसा है, बहुत मुश्किलों से मिला है। रुके रुके अभी मत, ये भी टोकन मिलता है, कहीं वो भी नहीं मांग दे। ये टोकन ले लिए हैं, पैकेट में रख लेते रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अंदर। रुके तो हम लोग निकल चुके हैं टिकट लेके अंदर एंट्री के लिए। दोस्तों हम लोग पास टाइम भी नहीं है, थोड़ा आते आते कार ब्रेक डाउन हो गया था तो आने में लेट हो गया। अभी आधा घंटा एंट्री टाइम है, लाइन लगना पड़ेगा एंट्री के लिए, देखते हैं घुस पाते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों तो हम लोग गेट से एंट्री कर रहे हैं अभी। ये देखिए लाइन में लगे हुए हैं, हम भी हैं इधर। कैमरा चालू कर दिया पीछे का हमारे, देखिए चेक किया जाता पहले। अरे काहे काहे इतना पुकार है, कौन सर? ये व्यूज देखिए इस तरह से है, ताजमहल घुसने से पहले एंट्री। उभार का रोड है और जाली लगाया हुआ है, जाली के अंदर हम लोग को जाना है। इस टाइम में कैसा था, फिर मरम्मत होकर फिर से कैसा हुआ, इस तरह से कैसे बना है, ये सब पूरा इधर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अंदर से कैसे दिखता है प्रवेश द्वार। ताजमहल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अंदर, देख सकते हैं उधर। अभी जाके दिखाएंगे सामने से, बने रहिए हमारे वीडियो में, पूरे वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं आप सबों को, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो इसको दो तीन क्लिप पे, कितना लंबा रहेगा वो हिसाब से डालेंगे वीडियो को, दो तीन क्लिप में करके डालना पड़ेगा, तो दो तीन वीडियो करके डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा रहता है ना वीडियो तो अपलोड होने में टाइम लगता है। उसके बाद वीडियो अपलोड होने के बाद में फिर देखने वाले को भी बोर लगने लगता है, इसलिए छोटा छोटा करके बनाएंगे डालेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे विदेश के, देश से बाहर के लोग भी बहुत सारे रहते हैं। यह है हमारा एंट्री होने के बाद में ताजमहल को देखने के लिए जो एंट्री इन करना है, ये है गेट अंदर का। ये भी गेट है, ताजमहल नहीं है, इसके अंदर है ताजमहल लेकिन ये गेट है। और दोस्तों इधर का भी देखिए, वो निकलने वाला है उधर से, वो जो लोग आ रहे हैं ना सब लोग, सब वापस निकल रहे हैं। और इस तरह से है पूरा व्यूज गेट से एंट्री इंटर करने के बाद में। वीडियो के चक्कर में हमारे पूरा टीम इधर उधर हो गया है दोस्तों। इधर नहीं आ रहा, इधर मिल गए, मिल गए, मिल गए। कैमरामैन के साथ चलना आप।
क्या कर रहे हो? चलो लगाइए एक मिनट। नॉर्मल फिर ऐसे नहीं दिखाई देते। देख तो सही। हो गया हो गया हो गया। देख लीजिए आ गया, बढ़िया आ गया। चलो लगाइए। सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है हम कर लेंगे सेटिंग। इधर 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 होइए। छोड़िए हम कर लेंगे। और इधर होइए आप। और इधर होइए। और इधर होइए। अरे नहीं वो तो कैमरा इस तरह से फोटो खिंचवा रहे हैं ये लोग। और आगे आइए। ताजमहल के करीब पहुंच चुके हैं। इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए। बहुत खुशी हो रहा है देख के, बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं वीडियो में देखने में कैसा आता होगा। ताजमहल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। चलिए आइए आइए अंदर चलिए। कहाँ चले जाइएगा? अंदर जाइए चलिए। ताजमहल के पीछे साइड में यमुना नदी का बहाव है। ये देखिए यमुना नदी पीछे से बहती है। ये है ताजमहल के अंदर जाने का रास्ता, अंदर से है, अभी बंद किया हुआ है। इस तरह से बनाया गया है, इसमें ताला लोग रहता है। ये ताजमहल के अंदर लगभग हम लोग 20 फीट ऊपर में है, 20 फीट ऊंचाई में है ताजमहल। तो अंदर में भी कुछ ऐसा बनाया गया है, इसलिए अंदर जाने का रास्ता है। वो इधर से गंगा जी की, ये यमुना रिवर की माया है। डालते हैं तभी तो लिखा गया है। हाँ लेडीज डालती हैं, देखना कितने डाले हुए। निकाल देते हैं, फिर डाल देते हैं, मना करने की। ये पीछे साइड से ताजमहल देखिए किस तरह से लगता है, पीछे साइड से। पुराने जमाने का एक दरवाजा भी लगाया गया है पीछे साइड में। रूम बना है। सॉरी, हम आप सबों से माफी मांगना चाहेंगे कि हम ऊपर जाके नहीं दिखा पाए। बात यह हो गया कि टाइम हो गया ख़त्म, टिकट का हम लोग को मिल नहीं पाया ऊपर चढ़ने का, तो ऊपर नहीं जा पाए। हम लोग साइड साइड से वीडियो बनाए और निकल रहे हैं। फिर कभी मौका मिले तो आएंगे और ऊपर का व्यू दिखाएंगे। अभी दोस्तों हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इधर से घूम लिए हैं साइड साइड से। और ये तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।